बहुत सारे योजनाओं को घर घर पहुंचाया है। अभिनंदन 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 विवेकानंद कुमार, अभिनंदन 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 सेवा ही सत्कार, अभिनंदन 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 लाए हैं तो दोस्तों नमस्कार। तो ये सावता अभियान यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो आज सावता अभियान यूट्यूब चैनल बंगाल से आ चुका है बिहार में, और बिहार पटना में अभिनंदन ट्रस्ट की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो बंगाल में इस अभिनंदन ट्रस्ट की जो प्रोग्राम हो रहा है तो उसी के बारे में बंगाल में चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। तो इसी के लिए अभिनंदन ट्रस्ट की तरफ से क्या ट्रेनिंग आज हुआ है और इस अभिनंदन ट्रस्ट की मकसद क्या है, हिंदुस्तान में कौन सा जगह में पहुंचना चाहते हैं, हमारे ये सर है। सर पहले आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके जोश और जुनून को मैं बहुत दिल से सैल्यूट करता हूँ। बंगाल लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई। बंगाल लोगों में ये पावर है, आपने दिखा दिया। कहाँ बंगाल और कहाँ बिहार, और बिहार की धरती पे आप अभिनंदन ट्रस्ट के न्यूज लेने के लिए आए, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं बंगाल वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर ये अभिनंदन ट्रस्ट के मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं अगले दिन में? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये अभिनंदन ट्रस्ट चर्चा का कोई मोहताज नहीं है, और बंगाल में तो और चर्चा ही चर्चा हो रही है। देखिए बंगाल के कई जिले से लोग यहाँ आए हुए हैं, और बंगाल में लगभग 17-18 जिले में काम शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अभिनंदन ट्रस्ट पूरे हिंदुस्तान में जन समाज सेवा कल्याण की भीतर धारा लेकर कर करके जो है कि काम कर रही है। संस्थान की एक ही मिशन है, वो है समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। संस्थान की नारा है सबका साथ, सबका साथ, देश की विकास और देश की उन्नति और देश की तरक्की के लिए संस्थान रात दिन काम कर रही है, मेहनत कर रही है और लोगों को लाभ दिला रही है। लोग लाभ लेंगे कैसे, कैसे लोगों को मदद किया जाएगा, इसके लिए अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा कई सारी योजना चल रही है, जैसे कन्या विवाह उपहार योजना, शिक्षा योजना, हेल्थ चेकअप योजना, आयुर्वेद योजना, आपातकालीन सहयोग योजना। इन सभी योजना को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को लाभ दिलाना है। इसके लिए पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? रोजगार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? रोजगार दिया जा रहा है। आप भी रोजगार लेना चाहते हैं तो आइए अभिनंदन ट्रस्ट को ज्वाइन करें। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर और वार्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे ज्वाइन करें और यहाँ से 15,000 से लेके 1,00,000 रुपया प्रतिमाह कमाइए। कितना कमाइए? 15,000 से 1,00,000 रुपया प्रतिमाह कमाइए। और साथ साथ में जितने भी सारी योजना चल रहा है, हमारा एक ही मकसद है, हर घर तक पहुंचाना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को लाभ दिलाना है। और बाद बाकी देखिए कई सारे हमारे जो है कि यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं और हमारे बंगाल के मंडल प्रभारी एक नहीं दो दो शेर हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे झारखंड के हमारे शेर है, मतलब शेर मतलब ये बड़े हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े हमारे पदाधिकारी हमारे अभिनंदन ट्रस्ट के, और सारे जवाब लोग बहुत ही बेहतरीन अपने देश की उन्नति और देश की तरक्की के लिए 100% दिल से समर्पित भाव से लग चुके हैं अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। अब इन लोगों से भी देखिए, जानिए और फीडबैक लीजिए। अच्छा सर, तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो अभिनंदन ट्रस्ट जो ट्रस्ट है, कैसे हिंदुस्तान के जो लोग हैं कैसे ट्रस्ट करेंगे, कैसे बिलीव करेंगे? कहा गया है जब खाएंगे तब ना स्वाद जानेंगे। हम कहें कि हम बहुत बढ़िया हैं ये तो गलत बात है।
मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कैसे ट्रस्ट करें उसके लिए पहले आपको ट्रस्ट करके पहले लाभ लेना पड़ेगा। किसी के बेटी की शादी विवाह है, आइए हमारे यहाँ से बाइक के रेट में बाइक मिल जाएंगे और शादी का सामग्री गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, 22 तरह का शादी का सामग्री दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो जब आप लीजिएगा तो विश्वास होगा। जब बेटी की शादी हो रही है, कन्या की शादी है, बहन की शादी है, इधर उधर मत भटकिए, आइए अभिनंदन ट्रस्ट के मंडल प्रभारी कोऑर्डिनेटर से मिलिए और 22 तरह का शादी का सामान फ्री में उपहार में लेके जाइए, तब विश्वास होगा ना। यस सर। चूंकि जो जागा सो पाया, सो सोया सो खोया, अब वो अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, एक बार हमारे कोऑर्डिनेटर से मिलिए और तुरंत हाथों हाथ लाभ लेके जाइए। और बताइए सर। ठीक है, तो हम बंगाल से, बंगाल से सारे, बंगाल से सर लोग ने आए हैं सर, आप बंगाल से आ रहे हैं? हाँ, बंगाल से। अच्छा सर, ये जो अभिनंदन ट्रस्ट, এটা কিভাবে এখানে কিভাবে লোক এর সাথে মানে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে কিভাবে? এখানে অভিনন্দন ট্রাস্ট হচ্ছে একটা ন্যাশনাল লেভেল ট্রাস্ট, অলরেডি 22টা রাজ্যে কাজকর্ম চলছে এনাদের, এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা দুজন এখানে জোনাল প্রভারী আছি, আরও একজন আসি, তিনজন আছি আমরা। হ্যাঁ, এই তো তিনজন আমরা আছি এখানে, হ্যাঁ, জোনাল প্রভারী, এবং আমরা দায়িত্ব নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের অনেকগুলো জেলাতে, এখানে যেমন প্রত্যেকটা জেলায় একজন করে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর, ব্লক লেভেলে ব্লক কোঅর্ডিনেটর, পঞ্চায়েত লেভেলে পঞ্চায়েত কোঅর্ডিনেটর, এবং সবার নিচে যেখানে মানুষ আছে অর্থাৎ বুথ, সেই বুথে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর, এই যে এই স্তরগুলোতে আমরা লোক নিয়োগ করছি, তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে যেন এই অভিনন্দন ট্রাস্টের যে যোজনাগুলো আছে, প্রায় 12-13টা যোজনা রয়েছে এবং যোজনা দিনকে দিন বাড়ছে, আরও নতুন নতুন আসবে, এই যোজনাগুলোর লাভ যেন সাধারণ মানুষ পায় সেই কাজটাই আমরা করছি। আমরা অ্যাওয়ারনেস যেমন করছি, পাশাপাশি ওই মানুষকে সেই সুযোগটা যেন পাইয়ে দেওয়া যায় তার একটা ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। আর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই কাজের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সমাজসেবার কাজ হচ্ছে, আর একদিকে হচ্ছে আমরা বেকার ছেলেমেয়েদের কিছু কাজের সুযোগ করে দিতে পারছি। এটাই হচ্ছে আমাদের অভিনন্দন ট্রাস্টের সবচেয়ে বড় কাজ, এবং এটা এই এই অভিনন্দন ট্রাস্ট লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা এতে সত্যি খুব খুশি। স্যার, আপ কেসে ইস অভিনন্দন ট্রাস্ট কো বিলিভ কিয়ে হে, থোড়া বাতাইয়ে আপকা দিল সে। দেখিয়ে, সবসে পহলে তো নাম জো অভিনন্দন হ্যাঁ সমঝে, এই এক বিশ্বাস হ্যাঁ, সমঝ গয়ে? আর জিতনে ভি চ্যানেল কে মাধ্যম সে জো লোক সুন লে সুন রহে হ্যাঁ, সবসে পহলে জো প্রশ্ন আতা হ্যায় কি কেসে বিশ্বাস কিয়া যায়, तो एक बार हमारे संस्था में आइए, ठीक है? और जैसे बहन की शादी हो या जिनके बेटे की शादी है, हमारे पास जो कन्या उपहार योजना है, सबसे पहले उसी का फ़ायदा उठाइए। तो आप देखेंगे कि आप हमारे पास 1,10,000 जमा करते हैं, उसी दिन हम हाथों हाथ उनको 80,000 से 90,000 रुपये के सामान दे देते हैं, वो भी 22 सामान देते हैं, पलंग है, सोफा सेट है, और गाड़ी तो देते ही हैं, उसके साथ साथ हम 22 और सामान देते हैं। यदि हम वो पैसा को लेकर के 10 दिन 2 महीना 3 महीना का समय करेंगे, तब ना हम पर विश्वास नहीं कीजिएगा। लेकिन हम लिए और आज के आज हम सामान देने के लिए तैयार हैं, आज के आज हम गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर से विश्वास न रहने के कहाँ सवाल है, ठीक है? और दूसरा, जो सबसे पहले जो भी आपातकालीन जो योजना हमारा आया है, वह एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त आया है। कोई इंश्योरेंस नहीं है कि हम इंश्योरेंस वाले पैसा दे रहे हैं, ये हमारा एक अभिनंदन ट्रस्ट इंडिया में एकमात्र ऐसी संस्था है जो मात्र 1 रुपये के आपके दान से हम 5,000 से लेकर के 50,000 तक हम तत्कालीन तुरंत 2 घंटे के अंदर उनको जो है कि मुहैया कराते हैं। क्या कोई ऐसा भारत में है जो इतना जल्द फैसला लेकर के और हम क्विक धरातल पर जो है कि हम उसका योगदान देते हैं, उसको तुरंत हम प्रेफरेंस देते हैं, तुरंत एक फैसला लेते हैं। ये एकमात्र नाम है पूरे भारत भर में, हुआ है अभिनंदन ट्रस्ट। अच्छा सर, विश्वास का दूसरा नाम अभिनंदन। अच्छा सर, ठीक है सर। तो लास्ट में ये क्वेश्चन आपको कहना चाहूँगा कि अगले दिन में अभिनंदन ट्रस्ट को कौन सा स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं आप लोग? भारत का नंबर वन तो ऐसे ही है, लेकिन हम घर घर में ले जा करके नंबर वन करना चाहते हैं। आज हमारा जो बिहार में ही नहीं, हमने 24 से लेकर 26 स्टेट में रन कर रहे हैं और लोगों को हम इसका फैसिलिटी दे रहे हैं, वह जबरदस्त तत्कालीन एकदम। आप भी पैसा जमा कीजिए, सुकन्या
कन्या योजना में गाड़ी भी दिया और एक उसी दिन हम सामान भी मुहैया करा दिए। बस आपको आना है और बस विश्वास जगाना है और हम देने के लिए हम बैठे हुए हैं, हम लेने के लिए कुछ नहीं बैठे हुए हैं, हम देने के लिए हैं। अब जितना जल्दी आए और हमसे ले जाए। और इतना तो छोड़िए, अब बंगाल में करिश्मा देखिएगा, ये जो बंगाल के जितने भी हमारे वीर जवान बंगाल बिहार यूपी झारखंड ये सारे मौजूद हैं। अब कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, बंगाल में भी बड़े बड़े क्रांति होने जा रहे हैं। क्या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए क्या जयराम टूडू जी, होगा कि नहीं होगा बंगाल में कितने कन्या की शादी में सामान जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब जाएगा सामान तब विश्वास होगा ना, इसीलिए घबराइए नहीं। ये जवान जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सभी लोग बंगाल में बड़ा तहलका मचाने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय अभिनंदन।